हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। फाइनली आप सभी का वेलकम है बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों से कई बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमने यहाँ पर फाइनल परीक्षा के लिए टॉप 100 चुनिंदा प्रश्नों को चुन के लाए आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से कर लेते तो ज्योग्राफी की जो आपकी तैयारी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए आप लोग का जो परीक्षा है उसी के लिए बनाई जा रही है। इसलिए आप सभी को अंत तक देखना है। यहाँ पे ऐसे प्रश्न है जो कि सिर्फ आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, जो कि बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, वही दिखाई जाएगी। इसलिए आप लोग ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, बस एक वीडियो में आपकी पूरी तैयारी हो जाने वाली है। इसलिए आप लोग को अंत तक देखना है। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप लोग को ऑन कर देना, ठीक है। तो याद रखिए ये दोनों काम कर लेना, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट की पूरी तरह से प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण जो है उत्तरदायी किस पर है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है केंद्र सरकार पर है। किस पर है? केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि आज विश्व में लगभग कितने लोग का भरण पोषण चालवस्ती पशुचरण पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा आपका 2 करोड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 करोड़, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, कराया कि निम्न में कौन सा एक जोड़ा जो है सही मेल खाता है। तो सही मेल खाता है लौह इस्पात उद्योग जो कि पिट्सबर्ग में, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, सही नहीं है पहचान आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या, BPO's के पास KPO's की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। ये जो आपका सही नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि कच्ची पत्तन जो है, कोची पत्तन जो है वो अवस्थित कहाँ पे है। तो कोची पत्तन हो जाएगा आपका केरल में, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का केरल में, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कराए कि जल जलने जो रोग है वो क्या है। तो जल जलने रोग से जो होता है वो अतिसार है। ये कौन सा रोग, जल जलने रोग जो है क्या है, तो अतिसार है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है वो कहां से कहां है। तो ये है आपका दिल्ली से कोलकाता, कहां हो जाएगा, दिल्ली से कोलकाता, राष्ट्रीय महामार्ग 2 संख्या दिल्ली से कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि सतत पोषण विकास के दृष्टिकोण जो है वो क्या है। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण हो जाएगा आपका यहाँ पे उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगर भिलाई स्टील संयंत्र जो कोयला प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा कोरबा से, कहाँ से प्राप्त करता है, कोरबा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कह रहा है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो किस नगर को कहा जाता है, क्यूम्बटर को, क्या हो जाएगा आप लोग, क्यूम्बटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्यूम्बटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, करा के निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। तो लौह अयस्क कौन नहीं है, एंथ्रासाइट जो कोयला का एक अयस्क है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ये लौह अयस्क नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, करा के निम्नलिखित में से कौन जो है भूगोलवत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। तो कौन करते हैं, जर्मन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, जर्मन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, इनमें से कौन जो मानव पर्यावरण के तत्व है, कौन जो है मानव पर्यावरण तत्व है, वनस्पति, जलवायु, सरके या फिर विभिन्न। तो आंसर का सरके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कह रहा है कि प्राणी जात प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को करती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 14 क्वेश्चन का कम करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रेरणा कौन है। रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रेरणा कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है टेलर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते, कह रहा है कि मानव भूगोल को मानव भूगोल की कल्याण परक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका धर्म से नहीं है, किससे नहीं है, धर्म से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म से। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते, कह रहा है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90%, इसके कितने प्रतिशत जो है स्थल बद में निवास करती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है 10, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते, कहेगा विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से कितने एशिया में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों की किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियाँ होती है। तो किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है, होती है जल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जल। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है, तो शायद वायु भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप लोग, वायु या जल, क्या होगा इनमें से आप लोग कहना बताइए। मेरे ख्याल से वायु होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कराके निम्नलिखित राज्यों में कौन जो है कपास उत्पादक नहीं करता। तो इनमें से कौन कपास उत्पादक नहीं करता, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, हरियाणा होगा, छत्तीसगढ़ होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा,
छत्तीसगढ़ होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर डी, कपास का उत्पादन नहीं करता छत्तीसगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्न में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका विश्व के जनसंख्या सघन क्षेत्रों में से निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि उदयपुर जो है किस राज्य में स्थित है, उदयपुर जो किस राज्य में स्थित है, इस क्वेश्चन का राजस्थान में, कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी जगह। चलिए अगला क्वेश्चन, फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है, फरीदाबाद जो किस राज्य का एक शहर है, तो ये जगह आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जगह हरियाणा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, आगरा, कोलकाता, पटना या भोपाल? तो भोपाल आपका जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है, बाकी सब कुछ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूंजी आपका प्रमुख कारक नहीं होगा, बाकी बाजार, जनसंख्या घनत्व या ऊर्जा सब चाहिए, अरे ये भी पूंजी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित उद्योग स्थापना प्रमुख कारक नहीं है तो जनसंख्या घनत्व होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जगह, ऑप्शन नंबर सी जगह, ठीक है। पूंजी, ऊर्जा, बाजार ये सब है लेकिन जनसंख्या घनत्व से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है औद्योगिक में, तो ऑप्शन नंबर सी जगह, ठीक है, प्रमुख कारक नहीं तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा भू संवर्ग नहीं है, यानी भू इस्तेमाल में नहीं आती है, तो सीमांत भूमि, ऑप्शन नंबर सी जगह, ठीक है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, कौन सा भू उपयोग संवर्गत नहीं है, तो सीमांत भूमि, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल नहीं की बात करें तो यहाँ पे जो आपका चावल जो कि रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व में के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि जो उच्चतम है, तो नॉर्वे की, सबको पता है नॉर्वे की कोटि सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करना है इसलिए हम लोग ज्यादा जल्दी करते हैं ताकि आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। कह रहा है इनमें कौन जो एक मध्यकालीन नगर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आगरा, क्या बोलते हो लोग, आगरा मध्यकालीन नगर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगरा होगा या सूरत होगा, कन्फ्यूज लग रहा है इसमें से, आगरा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, कि नदी के सहारे बसा गांव जो है किस प्रतिरूप में आएगा, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा रेखी के, नदी जो होती है उसके सहारे जो होगा वो रेखी के आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा रेखी के, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चैनल टनल जो जोड़ता है वो किसको किससे जोड़ता है, तो इसको जोड़ता है पेरिस को लंदन से, ऑप्शन नंबर सी जो होगा पेरिस को लंदन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे लंबी झील जलमार्ग कौन है, तो लंबी झील जलमार्ग की बात करें तो यहाँ पे जाएगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक जो है वो यहाँ पे चीन की, ऑप्शन नंबर सी, डेफिनेशन को पता होगा चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा, तो ये किसने कहा था, ये क्या था आपका कुमारी सैंपल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, किसने कहा था, कुमारी सैंपल। चलिए अगले क्वेश्चन कर रहा है हम लोग, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है वो जगह सिक्किम की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह सिक्किम। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है, तो औद्योगिक नगर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर डी जगह पिट्सबर्ग जो कि एक औद्योगिक नगर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो इथोपिया की राजधानी है, तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, ऑप्शन नंबर सी जगह, इथोपिया की राजधानी कौन सी है, अदिस अबाबा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण आदिवासियों के निवास जो है निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं वो किस चीज़ पर रहते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्रियाओं में, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्रियाओं में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर बी जगह वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी जगह वेनेजुएला। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जगह, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह नाइजीरिया। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, 41 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका जनसंख्या घनत्व जो कि जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों कि क्या कहता है, हथकरघा उद्योग जो है वो क्या है, हथकरघा उद्योग जो है कुटीर उद्योग है, ऑप्शन नंबर बी, ये कुटीर उद्योग के अंदर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोगों को, मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक किसे कहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका रेड जेल को, रेड जेल को कहा था, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह पेट्रो रसायन उद्योग जो है मुंबई में, ये बिल्कुल सही जोड़ा खाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें कौन जो क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर हम लोगों को कि लैगून और पश्च जल जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपका कहाँ पाए जाते हैं, ये जगह केरल में, ऑप्शन नंबर ए जगह केरल में। इनमें
इनमें कौन जो है बॉक्साइट संबंधित नहीं है। 47 क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन बॉक्साइट संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह गया, ऑप्शन नंबर बी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हम लोग को सिंगरौनी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौनी जो किस चीज के प्रसिद्ध है। 48 नंबर क्वेश्चन का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। किसको? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हम लोग को निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता जो है दर उच्चतम है। आंसर होगा आपका लक्षद्वीप की, ऑप्शन नंबर डी होगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए क्या है। धरावी मालिन बस्ती जो स्थित है, धरावी मालिन बस्ती मुंबई में, सबको पता है ऑप्शन नंबर बी जगह मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम लोगों को कि शहरीकरण सहकारी कृषि जो आधारित सफल रही वो अधिक सफल रही वो किस चीज़ में रही, वो डेनमार्क में रही, ऑप्शन नंबर बी जगह डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम लोगों को, इनमें से कौन जो औद्योगिक नगर नहीं है। तो औद्योगिक नगर नहीं है जो है वो रुड़की, ऑप्शन नंबर सी जगह रुड़की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम लोगों को, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है। यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा जगह, ऑप्शन नंबर ए समकलात्मक अनुशासन समय क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, वृद्धि दर वाला देश यहाँ पे यमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो ये हो जाएगा आपका 1970 के आसपास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हम लोगों निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आय के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देश का राष्ट्रकुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। करेंगे मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत निम्नलिखित में से कौन सी कोटी थी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 127, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हम लोग को दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर बी जगह, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति जो अपनाई गई थी वो कब की गई थी। ये अपनाई गई थी 1991 को, ऑप्शन नंबर सी जगह 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एन्नोर पत्तन जो किस राज्य में स्थित है। एन्नोर पत्तन की बात करें ये होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए जगह तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के। पारादीप बंदरगाह जो किस राज्य में है, पारादीप जो है बंदरगाह वो किस राज्य में है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हम लोगों को कि वाल्मीकि नगर जो है टाइगर रिजर्व कहां स्थित है। 63 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल एक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चक्रीय संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चक्रीय संसाधन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों को निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए खेती, क्या होगा प्राथमिक क्रियाकलाप में अंतर खेती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन से, यही पूछा था ना, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। हाँ चलिए कह रहा कि निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है। तो वो बिहार का, सबको पता है ऑप्शन नंबर सी जगह बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी जगह महाराष्ट्र। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में कौन मानविक प्रवास का एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा जो कि प्रतिकर्षक कारक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी। तो थी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए जगह। 70 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जगह। चलिए कह रहा है कि गिरमिट एक्ट संबंधी जो है किससे है। तो यह भारतीय उत्प्रवास से, ऑप्शन नंबर डी जो है गिरमिट एक्ट संबंधित भारतीय उत्प्रवास से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। निम्नलिखित में कौन बगावानी फसल नहीं है। तो बगावानी फसल कौन नहीं है, मक्का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी मक्का। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक रेशदर फसल नहीं है। रेशदर फसल नहीं है, देखिए यहाँ पे जूट है, मेस्टा, तो मेस्टा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मेस्टा जो कि नहीं है रेशे वाला, ठीक है, कॉफी कपास और जूट ये सब आपका क्या हो जाएगा, कॉफी मेरे ख्याल से नहीं होगा, मेस्टा हो जाएगा, कॉफी हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, कॉफी आपका क्या है रेशेदार फसल नहीं होगा। चलिए
आगे बढ़ते करा कि भारत की जनसंख्या में भारत की जनगणना में प्रवास की जो गणना किस आधार पर की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से दोनों, जन्म का स्थान पर और पिछले निवास स्थान पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य में से उत्प्रवासी संख्या सबसे अधिक है। इस क्वेश्चन का आंसर का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जगह उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते करा कि भारत में स्त्रियों का प्रवास जो है किन धाराओं में सर्वाधिक है। तो सबसे सबको पता है किस धारा में सर्वाधिक है, 67 का आंसर होगा ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन सॉरी ग्रामीण से ग्रामीण, क्या बोलते हैं यहाँ पे, भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है, तो ग्रामीण से ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगर पुरुष पूछे तो पुरुष जो होता है ग्रामीण से नगरीय की ओर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी जो कितनी थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा 59%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की भील जनजाति जो केंद्र, भील जनजाति मुख्यतः जो केंद्रित है वो कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका किस में हो जाएगा, भील जनजाति झबुआ जिला में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झबुआ जिला। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी किनारे स्थित होती है, ये होती है रेखी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेखी है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, देखिए तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ पे है, इसकी राजधानी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, इनमें कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गेहूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, इनमें कोयला, इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है, तो इनमें कोयला क्षेत्रों को रूर जो कि जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी जगह पे रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर हम लोगों को कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो यहाँ पे रोपण फसल जो है वो कोको, ऑप्शन नंबर बी जगह कोको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन कर हम लोगों को कि भरमौर जिला जो वो कहाँ पे, तो भरमौर जिला कहाँ हो जाएगा, यहाँ जगह हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को कि सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो, तो इन मृदा लवणता, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, क्या ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर कराया कि बम्बई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो कब स्थापित किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर का क्यों स्थापित किया गया था, क्योंकि यहाँ पे मुंबई एक पत्तन है, एक वित्तीय केंद्र है, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कि बोकारो इस्पात केंद्र जो वो कहाँ पे है, बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो कहाँ पे, सार्वजनिक क्षेत्र में होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन करके पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बम्बई में, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा बम्बई। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ कराया कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो किस राज्य में अवस्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो हो जाएगा आपका क्या उसमें हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी जो होगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन कराया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जगह सरकार का, ऑप्शन नंबर सी जगह सरकार का। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कराया इनमें कौन जो है उत्तर भारत में रबी फसल है, तो यहाँ पे 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर ए जगह गेहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कॉफी उत्पादक जो है राज्य है कौन सा इनमें से, तो इस क्वेश्चन का कर्नाटक, कर्नाटक जो कॉफी उत्पादक राज्य, ऑप्शन नंबर ए जगह 92 का। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग को भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो है कब हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जगह 1967 से 68, ऑप्शन नंबर सी जगह 1967 से 68। चलिए आगे क्वेश्चन कर हम लोग को साफ्टा जो है किस संदर्भ में वर्णित है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा लघु कृषक विकास, ऑप्शन नंबर सी जो है लघु कृषक विकास। चलिए आगे क्वेश्चन कराया, इनमें कौन क्षेत्र जो सूखा संभावित क्षेत्र है, तो गुजरात यहाँ पे हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलते हैं आप लोग गुजरात। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर बी बोलते, क्या बोलते 4000। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन ग्राम को सिलेम इस्पात जो उद्योग है वो कहाँ पे, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में होगा या फिर महाराष्ट्र में होगा, सलेम इस्पात तमिलनाडु में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सलेम जो है जगह है महाराष्ट्र में, सलेम इस्पात शायद आपका तमिलनाडु होगा। चलिए क्वेश्चन कराया कि इनमें कौन जो है औद्योगिक जिला है, तो औद्योगिक जिला यहाँ पे कानपुर हो जाएगा आपका, क्या बोलते आप लोग कानपुर, या वहाँ कानपुर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलते पूर्व महीना तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए कराया कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीक अपार्क जो अवस्थित है वो कहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए जगह। चलिए 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कराया कि भिलाई स्टील संयंत्र जो कोयला प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोरबा से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग टॉप जो 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, कितने क्वेश्चन 100, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रिपीट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, और इसका PDF आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो इसको लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगले लाइव सेशन में नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।